बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बाय टेकिंग वार्थम फाइंड सॉल्यूशन एक्स एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। हमने सॉल्व करना है 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक, ठीक है। तो यूजिंग क्या करना है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। तो टेकिंग लॉग का कहा हुआ उसने, टेकिंग लॉग लेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो क्या लॉग एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 10। हमेशा क्या होता है कि लॉग में पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 10। तो हम इस फंक्शन को करेंगे जीरो की को रखेंगे फंक्शन को, जब हम फंक्शन को जीरो इस इक्वेशन को जीरो की को रखेंगे तो फंक्शन को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। फंक्शन इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे ही रकम, सेकंड का क्या है डेरिवेटिव, तो 1/x आ जाएगा लॉग एक्स का, प्लस सेकंड नंबर वैसे ही फर्स्ट का, एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये है लॉग 10 कॉन्स्टेंट है, माइनस 0 आ जाएगा, ये लॉग 10 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 + log x आ जाएगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग क्या करेंगे, न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला, तो वो क्या होता है, xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। xn + 1 xn इज इक्वल टू माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, ये x log x - log 10 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव ये है 1 + log x। तो हमने इसी को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0, ये x0 log -x0 log x0 - log 10 ओवर 1 + x0। तो हम एक्स रूट्स हमारे पास नहीं दिए गए, ठीक है। तो हम फंक्शन से हम सॉल्व करेंगे, जो गिवन हमारा फंक्शन था, इक्वेशन ये थे, ठीक है ना। तो हम इसको फंक्शन को सेव करेंगे कैलकुलेटर में, फिर 0 पुट करेंगे, 0 पे 0 आंसर आता है, 1 पे माइनस आता है, 2 पे -0.34 आता है, और 3 पे क्या है, 0.43। तो यहाँ पे देखें ये साइन चेंज कर रहे हैं, तो हम ठीक है साइन चेंज कर रहा है, तो 0 के करीब 3 नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रूट क्या हमारा आ जाएगा, x0 = 2। तो ये हम 2 किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन बी, जो ये हमने बी के इक्वेशन का ये x0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे हम, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू, पहले 0 पुट किया था, 1 पुट करेंगे इक्वेशन ए में, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू x1 - x1 log x1 - log 10 1 + log x, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने पीछे फाइंड किया है, पुट करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा। इसी तरह हम n2 पुट करेंगे, तो हमारे पास n2 पुट करेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, n3 पुट करेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, और हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है 6, 7 और 8 पे, ठीक है। पुट हमने जब n6 किया, तो 7 का हमारा आंसर जो आया वो 2.5053 है, और 7 पे हमारा आंसर जो है n = 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 2.5053 2.5058 है, ठीक है। तो हमें उसने कहा है कि 4 डेसिमल नहीं, बल्कि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट और ये फर्स्ट 4 सेम है। तो हमारा एक्स और x7 और x8 हमारा सेम है, ठीक है, बाई गिवन कंडीशन के जरिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट रूट क्या है हमारे पास आ जाएगा, x = 2.505।